आजम खान के खिलाफ 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 5 बार वो SIT के सामने पेश हो चुके हैं और 29 मामलों में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट गिरफ्तारी से राहत दे चुका है। ऐसे में चुनाव आ गया है, चुनाव आते ही आजम खान फिर से चर्चा में है अपनी बीवी, क्योंकि उनके छोड़ी हुई सीट पर, विधानसभा की सीट पर उनकी बीवी तंजीन फातिमा को समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है। उनके लिए आजम खान पहुंचे रामपुर किला मैदान में रैली संबोधित करने, तो आजम खान ने अपनी इस परेशानी को चुनावी फ़ायदा बनाने का कैसे इस्तेमाल किया, कैसे इमोशनल होकर वो बोले रामपुर के लोगों के सामने, और बोलते बोलते रो पड़े आजम खान। देखिए, मुझसे साथी इंतकाम लेने वालों याद रखना, कब्र का हिसाब नहीं होगा, आखिरत में कब्र का हिसाब नहीं होगा, इस जमीन पर जो करोगे उसका हिसाब होगा, कब्र का हिसाब। देखो अभी वक्त है, अभी बहुत वक्त है और बहुत कम है। वो दस्तक दे रही है बर्बादी तुम्हारे दरवाजे पर, कहीं ऐसा ना हो आने वाला कल जब मेरी बुराई लिखे और जब मेरे खून के आंसू मेरी तारीख के औराक पर हो तो लोग ये पढ़े कि आओ दुनिया वालों, एक ऐसा शख्स भी सरजमीन पर पैदा हुआ था जिसने तुम्हारी नस्लों के लिए मुर्गियां चुराई थी, बकरियां चुराई थी, भैंसें चुराई थी, किताबें चुराई। तो आजम खान कह रहे हैं कि लोग याद करेंगे कि जिन लोगों के लिए मैंने ये यूनिवर्सिटी खड़ी की उसके लिए मैंने बकरी चुराई, भैंस चुराई और जाने क्या क्या नहीं चुराया। आजम खान लगातार इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने मामलों में सफाई नहीं दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है उनके खिलाफ़ जाती है वो ये कि जितने ज़्यादा जो ज़्यादातर मुकदमे हैं वो सब उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं मुसलमानों ने दायर किए हैं जिनके लिए वो यूनिवर्सिटी बनाने का दावा कर रहे हैं। तो आजम खान चुनाव प्रचार में लग गए, अपनी बीवी के चुनाव प्रचार में, 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, तो जो भी खबरें रामपुर से आएंगी उन पर हम नज़र रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।